प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले चंद माह से जब से किसानों के खिलाफ जो तीन काले कवानीन लाए गए, तब से किसान पूरे एहतजाज में हैं। ख़ास तौर पे पिछले दो महीने से ज़्यादा हुए वो दिल्ली बॉर्डर पर आकर एक डेरा सा डाल बैठे हैं कि जब तक के काला कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो वहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत ही पुरअमन पुरसकून अंदाज में ये एहतजाज जारी था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर वो दिल्ली के अंदर आएंगे और किसानों की रैली निकालेंगे। और ये भी उन्होंने कह दिया था, तयक्कुन दिया था कि रैली बिल्कुल पुरअमन होगी। मगर देखने में ये आया कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ हालात ऐसे बदले कि रैली में वायलेंस पाया गया। कहीं पर ऐसे मनाजिर देखे गए जहां पर पुलिस वाले आंसू गैस के शेल्स दाग रहे हैं, और कहीं पर ये देखने में आता है कि कई सारे लोग लाल किले पर हमला करते हैं और वहां के पुलिस वालों को खदेड़ देते हैं और बिलाखिर लाल किले की चोटी पर एक झंडा फहराया जाता है। ये सारे वाकयात कैसे हुए, क्यों हुए, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर लुबना सरवत से। ये तारीफ की मोहताज नहीं है, ये तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की और एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं। डॉक्टर लुबना सरवत, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरवत साहिबा, आपने जो कल मनाजिर देखे, जो वाकयात रोनमा हुए, ये फसाद आखिर कहाँ से बरपा हुआ? देखिए, वहाँ पर जो हालात हुए हैं उसके बारे में बात उसकी पता करने के लिए मैं एक ही चैनल है भी बचा हुआ इंडिया में जो कि ट्रस्टेड जर्नलिज्म है, मैं एनडीटीवी है, तो उससे हम पता करने की कोशिश करें, जो है जैसा है वैसा बता रही हूँ मैं, क्योंकि सब कोई परेशान थे वो देखे। तो जब एनडीटीवी पे फार्मर्स के जो लीडर्स है, मेन लीडर्स है, जो योगेंद्र यादव भी थे और एक भल्ला वगैरह भी थे, वो लोग सबका कहना एक ही था, वो लोग खुले अभी भी है वीडियोस एनडीटीवी पे मौजूद, वो ये बता रहे थे कि 26 जनवरी की प्रोटेस्ट रैली से पहले पुलिस से काफी लंबी बातचीत हो रही थी इन लोगों की, काफी टाइम तक और काफी टाइम में। ओके, उस बातचीत के दौरान वो लोग खुला हमेशा बता रहे थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि सम ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ वो बता रहे थे कि KMSS, ओके, हाँ, किसान नहीं, KMSS की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। वो और वो ऑर्गेनाइजेशन की नाम बार बार योगेंद्र यादव बताए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नाम उन्होंने पुलिस को बताए और बोले कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी वायलेंट है, इनके थॉट्स और काम वायलेंट है, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो आप इनसे अलर्ट रहिए। तो योगेंद्र यादव पूरे दुनिया के सामने ये बता रहे खुले तौर से कि पुलिस को ये बताया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। जो सेक्शन ऑफ फार्मर्स वायलेंस यूज कर रहे थे, पुलिसों को ढकेल रहे थे, ट्रैक्टर लेके मनगढ़ंत कर रहे थे और रेड फोर्ट के अंदर बगैर परमिशन के बैरिकेड्स तोड़ के अंदर आए थे, इन दोनों इन लोगों की वायलेंट प्रोटेस्टर्स जो थे वहां पर, उन लोगों के नाम KMSS और के साथ जो जुड़ा रहे थे योगेंद्र यादव और सारे पीसफुल जो वहां पर फार्मर्स के लीडर्स थे इतने दिन के, दो तीन महीने से जो बैठे, तो उन लोग जो ओपनली बता रहे, तो ये भी बताया योगेंद्र यादव कि ये जो संदीप नाम के शख्स हैं वो काफी आज भी पिक्चर्स आए हैं, ही वाज ऑलवेज सीन विद अमित शाह होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। दीप सिद्धू सम नेम योगेंद्र यादव जी वाज यूजिंग, तो काफी पिक्चर्स आए हैं कि ये दोनों यूज कर रहे हैं। और ये भी बताया योगेंद्र यादव कि यही जो सिद्धू जी है, दैट दिस पर्सन वाज द इलेक्शन एजेंट ऑफ सनी डियोल, द बीजेपी एमपी इन द लास्ट इलेक्शन। तो उन्होंने बोल रहे कि हु मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, कि इलेक्शन एजेंट बीजेपी के रूलिंग पार्टी का है वहां पर अगर दिख रहा है सबको, तो हु मस्ट आंसर, आप फार्म लीडर्स को क्यों पूछ रहे हैं?
बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी 26 जनवरी से पहले सतर्क उनको अलर्ट कर चुके हैं कि बी वेयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इनसे हमारा कोई लेना दाना नहीं है। तो इसीलिए दी पीसफुल फार्मर्स जो 2-3 महीने से वहां कर रहे हैं, वो लोग टोटली इससे जुदा पहले ही थे। तो आज के दिन 26 जनवरी के दिन, और एक बहुत बहुत अहम बात है, दो चीज से पूरी इंडिया घबरा गई और शॉक खा गई कल। वो दो चीज क्या है, जब रेडफोर्ट के पास जो किले के ऊपर अपनी इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया हुआ है और वहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस कोई लाके रिलीजियस फ्लैग वहां पर लगाते हैं, तो हम घबराए हुए हैं। We are now afraid कि हमारा हाई कौन, वेयर इज द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहां गई इनकी इंटेलिजेंस की काम कहां गई। और जो योगेंद्र यादव, तो इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं, योगेंद्र यादव तो बोल रहे कि पहले ही सतर्क कर चुके हैं। सो वेयर इज द फेलियर, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी। और कितने घंटे, 24 घंटे हो चुके हैं, 48 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक मालूम नहीं है कि किसने वो किया, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुई। बिल्कुल, वेयर आर वी, वेयर इज द होम मिनिस्ट्री, ये कंट्री में गवर्नमेंट कहाँ है, होम मिनिस्ट्री कहाँ है? क्या हम आम इंसान और पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा? तो इतनी बुरी हाल जो चल रही है, यानी कि जैसे वी डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर एनीथिंग, अभी तक जवाबदेही नहीं कि कल हमारे इंडियन फ्लैग के पास रिपब्लिक डे के दिन किसकी हिम्मत ये हुई और किसका सहारा था कि वो ऊपर तक जाके फ्लैग लगा सके। हु इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन? ये मासूम सवाल है और ये सवाल का बगैर पूछे जवाब आ जाना चाहिए था सरकार के पास से, लेकिन अभी तक खामोशी इख्तियार है वहां से। तो ये हैरान की बात है, ये मामूली बात नहीं है, ये हैरान की बात है। इंडिया में क्या हो रहा है इस टाइम पे, इंडिया के हर कॉन्शियस सिटीजन फिक्रमंद है कि हमारा है कौन, आखिर सरकार कहाँ है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या ये वाकई इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर एक डेलिबरेट स्टेट अटेम्प्ट है ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके और उनके ये प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके? इंटेलिजेंस फेलियर जो क्या है, वो एक सवाल उठता है। अरे भाई, ये तो सवाल तो उठता है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर को मैं अभी ज्यादा नहीं ले रही हूँ वो आर्गुमेंट को। क्यों? क्योंकि फार्म लीडर्स खुद बता रहे हैं कि पुलिस को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुके हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंटेलिजेंस, इट्स ओनली एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड डूइंग द ड्यूटी। सो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मैलाइन द प्रोटेस्ट, ये तो बगैर साफ दिख रहा है। इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सही नहीं है जो भी हो रहा है। और मैं साफ बता रही हूँ कि एथिक्स की बहुत वो खूब कमी है अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हम बार बार ये देख रहे हैं। मैं भी काफी टाइम, एक 1 ईयर पहले मैं एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की, में पार्लियामेंट में कई कमिटीज होते हैं, उसी तरह एथिक्स कमिटी भी होती है। तो एथिक्स कमिटी के 15 मेंबर्स को मैंने लेटर लिखे थे, का नॉट वन बट मेनी लेटर्स लिखे थे, और मेरे साथ कुछ हैदराबाद से कई और लोग भी लिखे थे। लिखने की वजह ये थी क्योंकि बार बार CAA NRC के बारे में काफी टाइम अपने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर काफी टाइम एक उल्टे सुलटे, पूरी बहकाने वाले कही बात बोल रहे थे, यानी वो साफ झूठ दिख रहा था वहां पर। तो क्योंकि बार बार बात बदल रहे हैं और स्टेटमेंट्स बदला रहे हैं और एक दूसरे के झूठ बता रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स है तो बोल रहे हैं नहीं है, और वो एक क्रोनोलॉजी बोल रहे हैं तो फिर बाद में नहीं बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों ने एथिक्स कमेटी को लिखे हैं, बट देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम एथिक्स कमेटी। तो मैं इस बात की हम काफी वरीड है कि आखिर ये एथिक्स की इतनी कमी वाली ये जो गवर्नमेंट है, जो बार बार इनकी झूठ पकड़ी गई है, तो ये गवर्नमेंट को हम इंडिया इसको अगर बर्दाश्त क्यों करना चाहिए और कितने दिन करना चाहिए? तो इसमें रोल किसका है? डेमोक्रेसी में काफी चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो इनके जब ये गवर्नमेंट ऐसा बोलती है तो एथिक्स कमिटी ने रोल निभाना चाहिए, तो एथिक्स कमिटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो काफी पार्लियामेंटेरियंस ने उस पर दबाव डालना चाहिए। हमने उस टाइम पे असद ओवैसी, जो हमारे हैदराबाद के MP है, उनको भी हमने कॉपी किए थे और बोले कि आप लोगों ने रेस करना चाहिए इश्यू वहां पर बोल के, लेकिन कहीं से भी, तेलंगाना के पूरे MP से भी हम ये करे थे, कॉपी करे थे सबको, तो कहीं से भी हमको रिस्पॉन्स नहीं आया। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, तो जो बाकी पार्टीज हैं, उनकी ये डेमोक्रेसी में अपनी देश को बचाने के लिए, हर देश के हम लोग पूरे जो 135 करोड़ लोग हैं, हम सब लोगों की एक होली बुक है, और वो है दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी की तो सेलिब्रेशन कल हुई थी, 26 जनवरी को, उसी किताब की तो सेलिब्रेशन हुई थी।
तो उस होली बुक जो इंडिया की होली बुक है, उस होली बुक के संभालने के लिए, क्योंकि वो होली बुक को बदलाने की अभी ये साजिश भी नहीं है, बहुत खुला चल रहा है। ओपनली प्रपोजिशन हुई थी लास्ट टाइम पार्लियामेंट में, राज्यसभा या लोकसभा में किसी एमपी ने प्रपोजिशन भी डाले कि वी विल रिमूव दीज टू नेम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल इंट्रोड्यूस द हिंदू नेशन एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब बात ऑलरेडी खुलेआम चल रहे हैं। तो ऐसे जब संविधान को, दस्तूर हिंद को बदलाने की बात चल रही है, तो ओपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग सब मिल के आए सिर्फ एक एक गोल पे, कि हमारी जो होली बुक है इंडिया की, दस्तूर हिंद को, उसको हमें किसी हाल में उस पे अमल करने पे ही गवर्नमेंट को लाना चाहिए। पूरे जो इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कैग हो, कंप्यूटर लॉटरी ऑडिटर जनरल हो, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने संविधान के तहत इंडिपेंडेंट रखने की और स्ट्रॉन्ग लाना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम हो गया है कि अभी लूप होल्स क्या है, कि वो कैसे एक तरफा हो सकते हैं जबकि नहीं होनी चाहिए। तो उसको बचाने के लिए और कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस लाना चाहिए, तो हम सीख रहे हैं ना। ईच स्टेज इज, एक गलती हो रही है देश में तो उसमें से अपोजिशन पार्टीज ने बैठ के चेक्स एंड बैलेंसेस वो है, तो वो लोग स्टेप लेना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो हम ये चेक बैलेंसेस लाएंगे, ताकि अगले बार वो कभी फिर वो जियोपार्डाइज ना हो, एक तरफा ना हो, उसकी बिल्कुल ड्यूटी पे वो अमल रहे। तो ऐसा कुछ एक्शन प्लान अपोजिशन से दिख नहीं रहा है, वो एक बहुत बड़ी फिक्र है। जी फिक्र ये है कि गवर्नमेंट ऐसी संविधान और इंसानियत, इंसाफ, ईमानदारी कहीं दिख नहीं रहा है, वो एक फिक्र रहा। लेकिन उससे एक्चुअली बड़ा फिक्र ये है कि अपोजिशन कहाँ है, अपोजिशन की सिंगल माइंडेड फोकस एजेंडा कहाँ है। एजेंडा आप एक ही होना चाहिए ना, सारे डिफरेंसेस को घुलाओ आप लोग और एक चीज पे खड़ जाओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद एक पेरिल में आ चुकी है। दैट इज द आपने पॉइंट दैट वी आपने आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि अपोजिशन कहाँ है और क्या कर रही है। मेरा मानना है अपोजिशन तो डेसिमेट हो चुकी है, टोटली इनफेक्टिव हो चुकी है। उनके नंबर्स इतने कम हैं पार्लियामेंट में, तो वो बेचारे क्या कर पाएंगे। नहीं, नंबर्स में, नंबर्स अभी होंगे कम, शायद कम है, बट जी नंबर्स में, क्वांटिटी में मैं कभी बिलीव नहीं करती। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो अभी नेशनल चैनल पर, आई मीन आपके चैनल पर हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोई अगर कुछ माइनॉरिटी मीटिंग्स में भी कभी बुलाए ना, तो मैं सब लोगों को ये याद दिलाती हूँ, जब आप कहते हैं कि आप माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है, तो मैं मुस्लिम होने के नाते मेरे, हाई आई लर्न, मैं एक लकी, बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब औरत मानती हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम भी जानती हूँ और इंडिया भी जानती हूँ, और माशाल्लाह। एक इस्लाम इंडिया में होते हुए मेरे को दोनों जहानों का बहुत अच्छाई मिला। इंडिया की बहुत अच्छाई मुझे मिली, इस्लाम की बहुत अच्छाई मुझे मिली, तो इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो उसी हिसाब से हमको हमारी कुरान से, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से ये हम जान चुके कि क्वालिटी मैटर्स एंड क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्योंकि जंगे बदर 313 वर्सेस 1000 हम जीत चुके हैं। क्यों जीते? क्योंकि हम एथिक्स पे थे, क्योंकि हम सिंसियर इंटेंशन था हमारा। तो इस बुनियाद पे हम जीत हार होती है, बल्कि क्वांटिटी से जीत हार नहीं होती है, पैसों से, पावर से ये जीत नहीं होती है, जीत क्वालिटी की होती है। तो इसीलिए अगर ओपोजिशन पूरी जुड़ जाए और अपने मकसद को ठान ले पहले, अभी भी देखिए एक वरी की बात यह है, वेस्ट बंगाल में देखिए आप, अभी भी वहां पर ओपोजिशन बिखरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कौन जीतेगा वहां पर। अभी भी वहां पर एक ममता बनर्जी, जो संविधान के, आई डोंट बिलोंग टू हर पार्टी बट आई अप्रिशिएट गुडनेस इन एवरी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ममता बनर्जी, वो टीएमसी की जो अच्छाई अभी है कि वो हर बात पे संविधान को ला रही है, वहां पर नए नए इंटरवेंशन बता रहे हैं, तो लिहाजा सबकी एक जिम्मेदारी बनती कि वहां पर सपोर्ट दे, ताकि जो जो पार्टी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो संविधान में बराबर नहीं मान रही है, संविधान को की सहारा लेके हम गवर्नमेंट बनाए, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि संविधान में काफी तब्दीलियां इतने ला लेना चाहिए कि संविधान कुछ अलग ही हो जाए, संविधान रहे ही ना, ये जी बहुत बड़ी गद्दारी है ये। ठीक तो है। इसको संभालने के लिए ओपोजिशन की जो इन्फॉर्म्ड यूनिटी और सिंगल माइंडेड फोकस रहा ना, तो पूरी पब्लिक, पूरी इंडिया इनके पीछे चलेंगी, क्योंकि इंडियंस इसे नहीं है, इंडियंस ये नहीं मानते, इंडियंस ये चाल समझते हैं कि इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। चाहे वो हिंदू की नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व की नाम वहां ले रहे हैं, सब लोग को मालूम है कि इट इज नॉट अबाउट ए रिलीजन। हिंदुत्व, हिंदू को यूज किया जा रहा है किसी बड़े इकोनॉमिक गेन्स फॉर सम पीपल, इसके लिए, और अपनी सॉवरेनिटी, एक तरफ से इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है,
क्योंकि हम एफडीआई भी ला चुके हैं डिफेंस में, और लैंड में जियोग्राफिकल सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि परसों ही तो बता दिए कि पूरी विलेज बन रही है वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, वो भी आ चुका है, और उसके ऊपर से लद्दाख में तो कल की परसों की रिपोर्ट है कि वहां के विलेजर्स को चाइनीज बोल रहे कि विलेजर्स को खाली करो, अपने विलेजर्स को, अपने इंडियन विलेजर्स को, लद्दाख के लोगों को। तो ये सब सुन के बहुत हैरान हो रही है कि अपनी कई कम कॉम्प्रोमाइज, इतनी बड़ी भारी भारी कॉम्प्रोमाइजेस क्यों हो रहे हैं। तो अपोजिशन में बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स है, सीपीएम में है, सीपीएम में है, हमारी सोशलिस्ट पार्टी में संदीप पांडे जी है, येचुरी जी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ममता बनर्जी है, ऐसी कई कई लीडर्स स्टॉलवर्ट्स है जिसकी काफी फॉलोइंग है। और सबसे बड़ी बात जो एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो बीजेपी जीत रहे हैं या एनडीए जो जीत रहे हैं, इनकी एक बहुत बड़ी एक इलीगैलिटी हमने गौर करना चाहिए, हर सिटीजन को ये मालूम रहना चाहिए, अपोजिशन को तो मालूम है, वो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए बिहार में भी, आप रिसेंट इलेक्शन जो बिहार हुआ है उसमें आप देखिए कि वहां पर 30-40 हेलीकॉप्टर्स उतर लैंड होते हैं और पैसा इस तरह खर्च होता है पूरी। आप देखिए कि 2014 में भी किस तरह से खर्चा हुआ, 2019 में भी किस तरह से खर्चा हो रहा, तो वो जो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ जो खर्चा हो रहा है इलेक्शंस में, और बीजेपी को जो ओवरवेलमिंगली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आते हैं और उनकी मनी की इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बराबर वहां पर जवाबदेही नहीं है, तो ये सब चीजें में क्या हो रहा मालूम, विजिबिलिटी ओवरवेलमिंग होती है जब आप पैसा, आपके पास बे इंतहा पैसा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहाँ से आ रहा पूछ की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इतना खर्चा कैसा हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब क्या होता है जब आप ज्यादा यूज करते पैसा तो वहां पर विजिबिलिटी ज्यादा होती है, चाम तो आता है। विजिबिलिटी क्या होता है, सही की ह्यूमन साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है वो, बिल्कुल। तो उन लोग सोचते चलो भाई ये बार यही दिख रहा है, कहाँ दिखो यही झंडे दिख रहे, यही लोग दिख रहे, चलो इस बार इनको मौका दे दे। तो यहाँ पर कितनी बड़ी इलीगलिटी जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए थे कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लिए हम बिल्कुल नकार रहे हैं, हम इसको यस नहीं बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट वो केस को लिस्ट करना चाहिए था, फौरन उसकी सुनवाई होनी चाहिए था, क्योंकि पूरी देश की तकदीर डिसाइड करने वाले एमपीज एमएलएस जो इलेक्ट हो रहे हैं उनके पास की पैसा जो है वो तो बुनियादी चीज है, उसके ऊपर पहले डिसाइड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और ये बराबर लगातार चलता रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हर पार्टी खरीदती है, यहाँ की टीआरएस पार्टी की भी खरीदी हुई, वो भी आया था पेपर में, बाकी पार्टीज के बारे में मुझे नहीं मालूम, एमआईएम वाले खरीदे नहीं खरीदे मुझे नहीं मालूम, नहीं बता सकती मैं, बाकी सब पार्टीज भी उसमें खरीद रहे। तो ये अभी अगर इस वक्त पे अगर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस वगैरह ये पार्टीज सभी अगर खड़ जाए कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम नहीं खरीदेंगे और हम इसकी भी इमीडिएटली डिमांड द वाइंडिंग अप ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अगर ये डिमांड ला लिए तो सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू टेक इट। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब कट हो जाएंगे ना, यानी कि फाइनेंस की सोर्स जो ओपेक है, आज तक इंडियन सिटीजन को नहीं मालूम कि बीजेपी को जो ओवरवेलमिंग ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से कोई भी पार्टी को जो आ रहा है वो कौन दे रहा है, हमको ये मालूम होने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो फंड्स आ रहे हैं, जिस फंड से आप जमीन पे यूटिलाइज करें, वो हमको मालूम होने की जरूरत नहीं है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को ओपेक रखे, नॉन ट्रांसपेरेंट रखते हुए कैसा, हाउ कैन इट बी ए क्लीन पॉलिटिक्स, हाउ कैन इट बी ए क्लीन इलेक्शन। तो इंडिया की बेसिकल जो एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, वहीं पर एक बहुत भारी गलती हो रही है, वो मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत बहुत अच्छी जा रही है, आपने रोशनी डाली है। एक तो अपोजिशन को एकजुट होकर काम करके जो है इनके रॉन्ग विंग्स के खिलाफ करना है, और फिर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी अच्छा एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पीएम केयर फंड है, और फिर बाबरी मस्जिद की जगह पे जो इलीगल राम मंदिर तामीर होने जा रही है उसके लिए ऑलरेडी करोड़ों रुपए का फंड आ चुका था, कहाँ गया वो पैसा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब फिर गली गली निकलकर चंदा मांग रहे हैं मंदिर की तामीर के लिए, तो इसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रास्ते बहुत चुन लिए हैं इन्होंने गैर अपने इलीगल पैसा जो है जमा करने के। ओके, अपोजिशन को आना चाहिए, अपोजिशन अगर नहीं आती है तो फिर कौन करेगा? क्या आपको लोकपाल की कमी महसूस नहीं होती? हाँ, लोकपाल की तो कमी बहुत महसूस होती है। ऐसी टाइम पे हम वही वही जगह तो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर अगर लोकपाल की भी बात लाए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी है और यहाँ भी हैदराबाद में लोकायुक्ता है, तो मेरी जो एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट से भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी और लोकायुक्ता से, अगर मैं इन लोगों को देखूँ ना तो मुझे सभी जगह एक ही दिखा मालूम कि द जजमेंट्स आर नॉट कैरिंग द जस्टिस दैट इज टू बी डिलीवर्ड. मैं साफ बातों में बता रही हूँ एंड आई स्टैंड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ टेलिंग दिस. जजमेंट जितना जस्टिस देना चाहिए ना वो जस्टिस नहीं आ रहा है. क्योंकि मेरे कई केसेस है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है, जो लोकायुक्ता में है और जो हाईकोर्ट में है. और कल ही की जो अटेंडिंग मैं करके आई थी, मंडे के दिन जो अटेंडिंग करके आई थी लोकायुक्ता में यहाँ पर, वो बंडलागुड़ा का सुरम चेरू के बारे में था. 2016 में मैं जब वहां पर तालाब के अंदर जो कंस्ट्रक्शन तामीर हो रहे थे, तालाब के अंदर उतर के हम तस्वीर लेके 2016 में मैं लोकायुक्ता के थ्रेशोल्ड पे गए, उनके चौकट पे गए कि भाई बचाइए तालाब को, आगे बहुत दहशत हो जाएगा. तो बराबर वही तो हुआ ना कि आज के दिन वहां पर 11 स्टोरीज की बिल्डिंग उसके अंदर कायम होती है, एमएम कॉलोनी अंदर कायम होती है बंडलागुड़ा की सुरम चेरू के अंदर, और वहां पर आधी तालाब बढ़ जाती है और अंदर से रोड जाती है. और वहां पर अक्टूबर 2020 में क्या हुआ, क्या दहशत नहीं मची वहां पर? जब पानी, बारिश पानी आती है, रहमत की पानी आती है, एक्सेस रेन्स जो आते हैं, वो तालाब में जब नहीं जा सब जा पा रहे हैं तो बिखरेंगे इचना बाहर. वही तो हुआ. तो बताइए क्या मुझे अंदर नहीं रहेगा? कि मैं तो ये दहशत बचाने के लिए तो मैं 2016 में गई थी, 2021 में 2021 में फिर से वही इस पे जा रही हूँ मैं, वही डोर पे फिर से खटखट आ रही हूँ मैं. तो वेयर डिड द लोकायुक्त सर्व द पर्पस? सो लोकपाल के बारे में हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो, बात यही अटकती है कि अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन हु इज गोइंग टू हैंडल इट. ऑफ कोर्स. तो ह्यूमन इंटरवेंशन को हम नहीं रोकना चाहते. ह्यूमन इंटरवेंशन से ही इंडिपेंडेंट रख के वहीं से हम एथिकल एंड हिस्टोरिक जजमेंट्स निकालना चाह रहे हैं ना. तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ है? आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज को आप रिटायर होने के का चंद महीनों में अगर वो राज्यसभा एमपी बन सकते हैं विद जी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, तो ये सब में कहीं कुछ खोटा है. रूल्स में कहीं है, रूल क्या बोल रहा है, रूल क्या पाबंदी नहीं लगा रहा है कि नो पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, क्या ये नहीं बोल रहा है? तो वेयर इज ऑल दिस गोइंग? तो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो कोई भी ऐसे पोजीशन पे से रिटायर होते हैं, कूलिंग ऑफ, तो कूलिंग ऑफ पीरियड फॉलो नहीं किया गया, तो फिर इसके खिलाफ किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो वो आई मीन दैट इज द पॉइंट हियर कि सारी ओपोजिशन देख रही है बात, सारे एमपीज देख रहे हैं बात. क्या ओपोजिशन, क्या ओपोजिशन का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें जिसकी वजह से खामोश है? नहीं, हम नहीं बोल सकते. सी ओपोजिशन की क्या ऐसी, ओपोजिशन वाज नॉट वेरी क्लीन, ये बात हमको मानना पड़ेगा. अगर ओपोजिशन बहुत क्लीन रहती, समझे ना, तो अगर ओपोजिशन वेरी क्लीन रहती ऑन ऑल द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में क्या है, द डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सॉवरेंटी एंड रिपब्लिक, तो ये पांच जो बुनियादी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के काफी ऑर्डर्स है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कई सेक्शंस बदला सकते हैं लेकिन प्रीएम्बल को कहीं ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की ऑर्डर है. और जब ये जो आज पॉलिटिकल पार्टीज जो 6 साल से जो इंडिया की डायरेक्शन में ही एक अलग महसूस कर रहे हैं लेकिन इसकी सही आवाज अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये लग हर किसी को जरूर लगेगा कि इनकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या थी. इनकी ट्रैक रिकॉर्ड अगर साफ सुथरा रहता तो ये, अगर ये इलेक्शन ये हो 2014 में, एक ऐसी पार्टी आती ही नहीं जिस जो एक बैंड पार्टी आरएसएस के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, जो ओपनली उनको हीरोइक बता रहे हैं, जो आरएसएस के लीडर्स को हीरोइक बना रहे हैं, बता रहे हैं, वैसी मेंबर्स वाली पार्टी इलेक्ट होती ही नहीं अगर पिछला जो गवर्नमेंट्स थे वो लोग सही ट्रैक रिकॉर्ड पे होते तो. जी जी. लेकिन अभी हम ऐसी हालत पे आ चुके, ये मोड पे आ चुके हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि अब ये गवर्नमेंट जो कि संविधान को ही बदलाने पे तुले हैं और कुछ और कई प्रीएम्बल पे कई काफी कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है, तो ऐसी हालतों में ओपोजिशन को हम बार बार हम पुकार रहे हैं कि आप लोग मेंटल बराबर संभालिए,
क्योंकि सॉवरेंटी ऑन द ग्राउंड, सॉवरेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेंटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हर चीज जहां कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वहां पर पुकार तो उन्हीं लोगों को आएगा कि वो लोग अंदर से उनकी ऑफ काफी काफी जो चीज है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस समय एथिक्स कमिटी की बताई, क्यों कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जाके वहां पर एथिक्स कमिटी को क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? क्यों हम जैसे सिटीजन्स, और हमारी तो पार्टी की उतनी केडर भी नहीं है, हम जैसे लोग वहां खटखटा रहे तो अंदर के एमपीस क्यों नहीं खटखटा रहे? तो बिल्कुल ये मैं बता रही, मैन आई मीन द अपोजिशन, अपोजिशन के पास अभी भी बहुत पावर है, काफी मगर वो जगह खामोश है, मगर वो खामोश है, खामोश है। खामोश है, और जितना पुकार होना चाहिए उनके पास से उतनी पुकार नहीं आ रही है, ठीक ये है बताना चाह रही मैं। और ये फार्मर्स का, क्योंकि आप शुरू करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही थी, वहां फार्मर्स के प्रोटेस्ट में एक एमपी भी बैठे हुए हैं जो पहले बीजेपी में थे, उनका नाम है राजू शेट्टी। जी उन्होंने 2018 में वो बहुत दो बिल्स टेबल किए थे जो कि पास नहीं हुए, डिस्कस भी नहीं हुए। वो बिल्स अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से उसमें दो बिल्स, एक तो फार्मर्स को इंडेटेडनेस से फ्री करने की, और एक दूसरी बात है कि ये फार्मर्स की जो गारंटी ऑफ द रेम्यूनरेशन फॉर द फार्मर्स, जैसे मनरेगा क्या था, कोई भी वर्क के लिए था, लेकिन ये एक्चुअली फार्मर्स की रेम्यूनरेशन को गारंटी करने की जो बिल्स है, वो बिल्स की वो बहुत डिटेल से उसकी ड्राफ्ट करके उसको पेश किए थे जो कि डिस्कस नहीं हुआ था। तो अभी भी ओके वो बिल डिस्कस हो सकता है, अभी भी लोग वो बिल को बोल सकते कि राजू शेट्टी की बिल को कंसिडर करो, क्योंकि प्रेजेंट जो थ्री बिल्स है वो थ्री बिल्स दे डोंट स्टैंड मेनी काउंसिल। वो बात मैं आपको बता देती हूँ आखिरी में, कि ठीक है 2014 में पार्लियामेंट में खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पास हुआ था विद द सिग्नेचर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। वो क्यों वो नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीएएनआरसी के टाइम पे भी वो बात छेड़े थे हम लोग, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में खुला लिखा हुआ है कि यू हैव टू, कुछ भी बिल आप पेश कर रहे हैं या कुछ भी अमेंडमेंट भी पे आप पेश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप पूरी जगह, पूरी इंडिया से आप इसकी फीडबैक ले, और उस फीडबैक को बराबर कंसोलिडेट करके उसकी पूरी आर्ग्यूमेंट्स निकाल के, जब को लेकिन आप इस बिल पास नहीं करना बोल के उतनी बड़ी नोटिफिकेशन, साइन नोटिफिकेशन अप्रूव्ड किया हुआ है पूरी इंडिया में, सब चीफ सेक्रेटरीज को आ चुका है वो, आई हैव अ कॉपी ऑफ दैट विद मी। तो ओके उसको ये लोग ओवरराइड कर दिए, उसके ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन में खुला सबको मालूम है 75 to 80 आईएएस ऑफिसर्स मिलके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख चुके, जो पूरी पब्लिक डोमेन में है वो लेटर, उस लेटर में वो लिखे कि भाई स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ये तो एग्रीकल्चर की दो भी टॉपिक्स जो आप छेड़ रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली वो स्टेट की सब्जेक्ट्स है वो, इसीलिए तो कुछ स्टेट्स में मंडीज है कुछ में नहीं है, और स्टेट्स अपनी प्रोक्योरमेंट कर रही है, वो सब कैसा चल रहा है, क्योंकि स्टेट इंडिपेंडेंट, दे हैव इंडिपेंडेंट होल्ड ऑन इट। तो ये 95 आईएएस ऑफिसर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखे थे कि भाई दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग, दे आर ओवर स्टेपिंग देयर ज्यूरिसडिक्शन, और आप साइन कर दिए वो बिल्स पे, तो लिहाजा यू हैव टू कॉल फॉर इट अगेन, इट इज रॉन्ग व्हाट दे हैव डन। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये प्रोड्यूस होती है, ये केस पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे संविधान के रक्षक है वो, तो उनको पहली अव्वल चीज ये पूछना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप ये आईएएस के ऑफिसर्स भी लेटर भी आ रही पब्लिक डोमेन में, एंड हैव यू नॉट ओवरस्टेप्ड योर ज्यूरिसडिक्शन, विल फर्स्ट गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। लेकिन वो क्वेश्चन आज तक नहीं डाले सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी जो कमिटी है वगैरह वो उनकी स्टाइल में, उनकी जो एक क्या बोलते वो एग्जीक्यूटिव स्टाइल में, यानी इट इज सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी स्टाइल है, उनकी स्टाइल ये होना चाहिए कि भाई पहले अव्वल चीज संविधान को, ये टकरा रहा या नहीं टकरा रहा, हाँ टकरा रहा तो सवाल वो होना चाहिए, नहीं हुआ उसके बाद ये कोई और कानून से टकरा रहा क्या, क्योंकि ये तीनों कानून कोई और कानून से टकरा रहे हैं, नोटिफिकेट 2014 की नोटिफिकेशन से टकरा रहे हैं, और नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जिसकी कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि अरे भाई ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इज दिस बिल एड्रेसिंग, सिंपल थंब रूल था ये बिल, क्या फार्मर्स जो पूछ रहे हैं इज दिस बिल एड्रेसिंग दैट। अरे भाई आप बार बार ये बोलते जा रहे हैं कि फार्मर अब कहीं भी जाके बेच सकता है, यहाँ भाई अमेरिका में बेच सकता है, अंटार्कटिका में बेच सकता, ये नहीं, फार्मर्स ने क्या पूछे, ठीक है, इज द बिल एड्रेसिंग दैट, दैट इज द थंब रूल टू एड्रेस द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, वो भी नहीं पूछा गया, क्योंकि फार्मर्स तो वही बोल रहे हैं ना भाई, हम जो पूछे वो हाइच नहीं है बिल में, हम मान रहे कि रिफॉर्म्स होना, लेकिन हम जो पूछे वो नहीं है, हमसे जो है वो भी छिन रहे हैं आप। जी
तो ये जो बेसिक चीज है वो सबकी सवाल नहीं मिली हमको, जहां जहां से मिलना चाहिए था इंडिया को, इंडिया के संविधान को, लोगों को बचाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस रखे गए, उन सभी इंस्टीट्यूशन से ये प्रोटेक्शन आज के दिन नहीं मिल रहा है। तो अपोजिशन जो अपनी, हम गवर्नमेंट को भी बोलते जा रहे हैं कि नहीं भाई आप फॉलो करो, प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं, वैसे अपोजिशन को भी बोल रहे हैं कि आप अंदर बैठे हुए हैं भाई, आप यूज करो, यूज योर पावर्स, गो टू एथिकल कमिटी, गो टू दैट कमिटी, दिस कमिटी। तो वी आर टेलिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव अवर कंट्री। ये कंट्री हर किसी का है, हर इंडियन का है, वो उसी की जैसा हर हर कोई यहाँ पर सेफ महसूस करना चाहिए, हर कोई अपनी डिग्निटी महसूस करना चाहिए यहाँ पर, अपनी मोहब्बत को जाहिर वो करना चाह रहे तो वो उनकी रहना चाहिए। बल्कि अभी जो प्रेजेंट हालात है उसमें बेइज्जती और खौफ खौफ पैदा करने की जो हो रही है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अपनी कंट्री पड़ोसियों को वीक नहीं दिखना चाहिए। आज के दिन वो सबसे बड़ी खराबी बाहर हो रही है कि हम उनको अंदर अनसिविल दिख रहे हैं, बिल्कुल अनसिविल दिख रहे हैं, हम एक दूसरे से टकराते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग हमको टकराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास वो वक्त नहीं है। हम डिफेंस पे, वो बॉर्डर्स पे कर नहीं सकते। हमारे पास लोगों के लिए, हमको बेसिक 70 ईयर्स के बाद आज के दिन भी, जो मैं एक लड़की को 10th में एडमिट करा रही हूँ, कोई स्कूल में एडमिट करा रही हूँ, तो वो उस फैमिली के फर्स्ट जनरेशन है, वो पढ़े लिखने वाले। 70 ईयर्स के बाद हमको ये हालात दिख रही है इंडिया की गलियों में। तो इस चीजों पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि 100% ग्रेजुएट्स बनाना है, 100% 10th बनाना है, एक एक वार्ड वाइज, पोलिंग बूथ वाइज हमको लिटरेट बनाना है सबको। इलेक्ट्रोनिक लिस्ट ही जहां पर खराब है, इलेक्ट्रोनिक लिस्ट में आपको साफ साफ दो तीन चार चार सूरतें एक सूरत की दिखाई देती है, तो उस इलेक्ट्रोनिक लिस्ट की, उस इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड्स की, उसके तहत में हम इलेक्ट हो रहे हैं। और जमीन पे जो बात है, उनकी पढ़ाई की, हॉस्पिटल सही नहीं है, हॉस्पिटल्स के पास कचरा रहता है, हर गली में आसिफ नगर में आपको कचरा दिखता है, और पानी सही नहीं रहता है, और पढ़ाई सही नहीं रहती, और उनकी जो जरूरियत है, खौफ है, रेशन के पास सही नहीं है। हर जगह आप जाओ तो उनकी एक इनडिग्निटी है, एक लड़ाई है, करप्शन है। तो इन सभी चीजों से उनकी रिहा कब होंगी, ये बात किसने सोचना चाहिए, जी ये सवाल है। जी जिस तरह से हर रायट में एक विलेन आता है उभर के, जिस तरह से एंटी सीएए प्रोटेस्ट को जो है सबोटाज करने में कपिल मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने डीसीपी के सामने खड़े रहकर ऐलान किया था कि 3 दिन में ये ख़त्म हो जाना चाहिए वरना फिर कुछ भी हो सकता है, कपिल मिश्रा आज़ाद घूम रहा है। अब ये जो 26 जनवरी में लाल किले में अटैक का वाकया है, तो इसमें भी एक नाम उभर के आ रहा है, दीप सिद्धू। कनेक्शन बताए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन है, सनी देओल से कनेक्शन है, सनी देओल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी वाकयात हुए हैं उसका मुझे बहुत दुख है। इस तरह की बातें बना के अब फिर कल्प्रेट को भी आज़ाद घूमने दिया जाएगा, नहीं उन पे एक्शन लिया जाएगा। नहीं, एक्शन लेना चाहिए। ये जो फार्म लीडर्स है ना, जो संयुक्त मोर्चा के, जो पीसफुल फार्मर्स की, जो प्रोटेस्ट के लीडर्स हैं, वो सभी उसमें, उनमें से कोई भी गैर जिम्मेदार नहीं है। और वो लोग खुद स्टेटमेंट्स, मतलब आई डोंट नो देम पर्सनली, उनकी जो स्टेटमेंट्स एनडीटीवी पे आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, उसको देखिए मैं बता रही हूँ, खास करके एनडीटीवी के स्टेटमेंट्स में बता रही हूँ, क्योंकि एनडीटीवी को काफी बार ट्रस्टेड जर्नलिज्म का अवार्ड आ चुका है, इसलिए आई बिलीव दैट चैनल। तो वो उस पे जो बात आ रही है इन लोगों की, कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम खुद पूछ रहे हैं, हम खुद पूछ रहे हैं कि जब हम पुलिस को सपक कर दिए कि ये केएमएसएस के बारे में, तो वही केएमएसएस वहां कैसा दिखा। और वो अपने आप, अपने पुलिस को, पुलिस क्या है, वर्दी में जब वो होते हैं, वो ड्यूटी पे होते हैं, उनकी पूरी इज्जत होती है, उनको हमने कोई, उनकी सही काम से रोकना नहीं चाहिए उनको, और वो लुढ़कते हुए दिख रहे हैं वहां पर टीवी में। तो हम, वी आर, अवर हार्ट्स आर सिंकिंग। हम लोग ऑफकोर्स बहुत, ऑफकोर्स इन होम डू यू वी कीप फेथ इन। इस फेथ को उभराने के लिए होम मिनिस्टर फटाफट कुछ अरेस्ट करते, क्योंकि हर किसी को दिख रहा है वहां पर क्या है। और योगेंद्र यादव बोलते हैं पूरी पुलिस की, उनकी टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स होंगे, जहां पर वो बोल रहे हैं कि दे आर अलर्टिंग अबाउट द केएमएसएस, और जहां पर दीप सिद्धू के पूरी फोटोज दिख रहे हैं। तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम। अब और क्या होना चाहिए, अभी तक तो अकाउंटेबिलिटी आ जाना चाहिए। और मुझे अच्छी बात ये दिख रही है कि ये फार्म प्रोटेस्ट में इतनी पीस को, इतनी सच्चाई के लिए पसंद करने वाले और
पीस को, शांति को पसंद करने वाले ये लोग जो चला रहे हैं, इसी तरह से ये लोगों ने चलाना चाहिए, ताकि इंडिया की ऐसी चीज ही इंडिया की होप है, जहां पर भी नॉन वायलेंस होता है और जहां पर भी हक के लिए एक पीसफुल मेथड से डट के रहने की हिम्मत रहती है, वही अपनी उम्मीद है। और वही उम्मीद ये लोग बता रहे थे, वही उम्मीद शाहीन बाग वाले अपनी दादी जो थे वो लोग सब वही बता रहे थे कि बार बार वो लोग हर किसी को झुटला रहे थे वो कि ये नहीं है, हम कोई वायलेंस है हमारे को कोई नहीं, जबकि गोली भी मारी गई तब भी वहां पे कोई उठ के फिर कुछ गाना गाली ना कुछ था, पर वो लोग अल्टीमेट क्या बता दिए, अपनी पीसफुल इंटेंशन बताए थे। तो यही पीसफुल इंटेंशन जो ये लोग बता रहे ना, वही इंडिया की हो भाई, वही सच्ची इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है हम लोग गौर करना कि वो बहुत, सच्ची इंडिया है। बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, आपने बहुत सारे जो है अच्छे इंकशाफात किए जिस पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल को हमने जो है लेटर लिखा, और जो ये जो कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट में उनको अपोजिशन के लीडर्स जाना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए और ये मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना होगा क्या कि हिंदुस्तान अंदर से खोखला हो रहा है, पड़ोसी खुश हो रहे हैं, सही जो देशभक्ति का नारा लगाते हैं, जो अपने आप को हुब्बुल वतन साबित करने की कोशिश करते हैं, बज़ाहिर हकीकत में वो मुल्क को खोखला करने में लगे हुए हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम।